थोड़ी देर हमको वेट करना चाहिए, ये आपको मैंने कई वीडियो में बताया है। लेकिन दोस्तों आपने नोट नहीं किया होगा, मैंने यहाँ पर एक गलती की। अब आप कहेंगे कि जिन गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट दिया गया है तो आपको ना ही एसी ऑन करना है और ना ही हीटर का यूज करना है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि सब कुछ सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी का तो समझ में आ गया, हीटर का मैं क्यों कह रहा हूँ। हीटर चलता है दोस्तों आपकी गाड़ी के इंजन में पड़ने वाले, यानी कि हमारी गाड़ी का इंजन जब तक गर्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ। इन आजकल की गाड़ी बहुत ज्यादा एडवांस है, हीटर को ऑन करते हैं तो हमारी गाड़ी का ECM यानी कि गाड़ी का जो कंप्यूटर होता है उसको पता चल जाता है, और कूलेंट की जो सप्लाई है वो हीटर कोर में पहुंचाना है। और कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, जिससे फ्यूल का लॉस होगा और आपकी गाड़ी का जो हीटर है वो भी काम नहीं करेगा तुरंत। दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी का इंजन मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं या 2-3 घंटे बाद गाड़ी खड़ी होने के बाद आप इंजन स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी के इंजन का RPM हाई होता है, यानी कि आइडल में इंजन का जो RPM है वो हाई होता है। अब जिन गाड़ियों में दोस्तों इस तरह का टेकोमीटर यानी कि इस तरह का RPM मीटर दिया होता है तो उसमें तो क्लियरली दिख जाता है इंजन स्टार्ट करने के बाद, और कुछ गाड़ियों में वार्निंग लाइट भी आती है ब्लू कलर की जो कि शो करती है कि इंजन का टेम्परेचर अभी ठंडा है, यानी कि अभी इंजन वार्म अप नहीं हुआ है, गर्म नहीं हुआ है, चलने लायक नहीं हुआ है और थोड़ी देर हमको वेट करना चाहिए। ये आपको मैंने कई वीडियो में बताया है और आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन जिन गाड़ियों में RPM मीटर नहीं होता तो आप लोग अंदाजे से ही ये चीज़ करते हैं, यानी कि आइडल में गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद 1-2 मिनट वेट करने के बाद इंजन वार्म होने के बाद गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, तुरंत इंजन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको कई वीडियो में बताई। इसके अलावा भी दोस्तों दो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा और साथ में 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा। तो ये होता क्यों है पहले हम समझते हैं। देखिए जैसे कि अभी मेरी गाड़ी का इंजन ठंडा है, मैंने कल गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया था और रात में गाड़ी खड़ी हुई है तो इंजन बिल्कुल अभी ठंडा है, तो मैं अगर स्टार्ट करूँगा इंजन को तो RPM हाई जाएगा। देखिएगा, तो देख रहे हैं आप इंजन का RPM अभी 1500 के करीब पहुंच गया, 1500 से थोड़ा सा नीचे है। थोड़ी देर बाद दोस्तों ये नॉर्मल अपने RPM पे आ जाएगा आइडल पोजीशन में। तो ये होता इसलिए कि इंजन वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए। दूसरा होता ये है कि जब हमारी गाड़ी रात भर खड़ी होती है तो इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे इंजन ऑयल चैम्बर यानी कि पैन में आ जाता है, तो जितने भी अंदर के पार्ट होते हैं घूमने वाले उन पर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जल्दी से ऑयल पम्प काम करता है और सारे पार्ट को ल्यूब्रिकेट भी कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने चाबी लगाई और इंजन तुरंत स्टार्ट कर दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन दोस्तों आपने नोट नहीं किया होगा, मैंने यहाँ पर एक गलती की। ये माइनर सी गलती है जो कि एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। देख रहे होंगे आप यहाँ पर RPM अपनी आइडल पोजिशन पर आ गया है, यानी RPM इंजन का नॉर्मल हो चुका है। अब गलती की जो बात कर रहा था वो बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, इग्निशन स्विच में की लगाई और तुरंत एकदम से इस तरह से घुमाते हुए इंजन को स्टार्ट कर दिया, यानी सेल्फ तुरंत ही ले लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार इस तरह से घुमाना है, एक्सेसरीज मोड में आ जाएगी यानी कि गाड़ी के जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो ऑन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप एक बार और घुमाएंगे तो फ्यूल पम्प वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं गाड़ी की वो ऑन हो जाएंगी, यानी बैटरी से धीरे धीरे पावर सभी पार्ट्स में पहुँचेगी जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसके बाद आपको सेल्फ लेना है। अब आप करते क्या, इस तरह से चाबी लगाई हो एकदम से घुमा के सेल्फ ले लिया, तो एक तो लॉक मैकेनिज्म ख़राब होगा, दूसरा आपकी गाड़ी की बैटरी पर भी लोड आता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अब आप कहेंगे कि जिन गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट दिया गया है यानी कि इंजन ऑन ऑफ स्विच दिया गया है उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में ये करना है कि सबसे पहले तो आपको एक बार स्विच दबाना है, आपको डायरेक्टली क्लच को दबा के बटन को प्रेस नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंजन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, एक बार आपको स्विच दबाना है उसके बाद क्लच दबाने के बाद ही आपको इंजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डायरेक्टली क्लच दबा के फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में आपको ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट टाइम नहीं मैं हर समय कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना है। दूसरी जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपकी गाड़ी का RPM हाई होता है, जब आप मॉर्निंग में या फिर कुछ समय के बाद इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आपको ना ही AC ऑन करना है और ना ही हीटर का यूज करना है। अब आप कहेंगे कि AC तो समझ में आता है, RPM हाई है तो इंजन पर लोड पड़ेगा और उस दौरान गाड़ी के अंदर वेयर एंड टेयर होते हैं क्योंकि इंजन ऑयल जो होता है वो पैन में आ जाता है यानी कि इंजन ऑयल चैम्बर में आ जाता है, तो गाड़ी के अंदर जितने भी घूमने वाले पार्ट होते हैं वहाँ पर इंजन ऑयल उन पार्ट को प्रॉपर ल्यूब्रिकेट नहीं करता जब तक आइडल पोजीशन में गाड़ी नहीं आ जाती।
तो ये एक इंडिकेशन होता है कि सब कुछ सही है, इंजन गर्म हो चुका है, चलने के लिए तैयार हो चुका है, सभी जगह ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर हो गया है, अब आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी का तो समझ में आ गया, हीटर का मैं क्यों कह रहा हूँ? तो हीटर के लिए दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हीटर आपका तभी काम करेगा जब आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। हीटर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से नहीं चलता है, हीटर चलता है दोस्तों आपकी गाड़ी के इंजन में पड़ने वाले कूलेंट से। जब गाड़ी का इंजन गर्म होगा तो कूलेंट गर्म होगा, 80-90 डिग्री पर टेम्परेचर कूलेंट का पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी का रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है और कूलेंट सभी जगह सर्कुलेट होने लग जाता है इंजन में, यानी कि गर्म कूलेंट जाता है रेडिएटर में, ठंडा होता है, वापस से फिर इंजन में आता है ठंडा कूलेंट, तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो गर्म कूलेंट होता है दोस्तों उसी से हमारी गाड़ी का हीटर काम करता है, यानी कि हमारी गाड़ी का इंजन जब तक गर्म नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी का हीटर काम नहीं करेगा। तो एक दो किलोमीटर चलने के बाद ही आपको हीटर ऑन करना है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ। तो जो रीज़न मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों में भ्रम है, तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन आजकल की गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है दोस्तों कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं और इंजन का आरपीएम हाई होता है और उस दौरान आप हीटर को ऑन करते हैं, तो हमारी गाड़ी का ईसीएम यानी कि गाड़ी का जो कंप्यूटर होता है उसको पता चल जाता है हीटर ऑन कर दिया गया है, जल्दी से कूलेंट का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है और कूलेंट की जो सप्लाई है वो हीटर कोर में पहुँचाना है। तो ईसीएम क्या करता है दोस्तों, फ्यूल की एक्स्ट्रा सप्लाई इंजन में भेजता है और इंजन को जल्दी से वार्म करता है जिससे कूलेंट जल्दी से गर्म हो, अपने टेम्परेचर पर आ जाए जिससे हमारी गाड़ी का हीटर वर्क करने लग जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सब लोगों को नहीं पता और कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता है। अगर आपने आइडल में अपनी गाड़ी का हीटर ऑन किया और आरपीएम हाई है तो एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई ईसीएम भेजेगा जिससे फ्यूल का लॉस होगा और आपकी गाड़ी का जो हीटर है वो भी काम नहीं करेगा तुरंत। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो एसी और हीटर चलाते समय ये सावधानी ज़रूर रखें जिससे आपका फ्यूल भी बचेगा और आपकी गाड़ी के इंजन में वेयर एंड टेयर भी नहीं होंगे। साथ में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इंजन को किस तरह से स्टार्ट करना है, इग्निशन स्विच को आपको किस तरह से ऑन करना है, या फिर आपकी गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन दिया गया है तो फिर गाड़ी को किस तरह से स्टार्ट करना है। और ये चीज़ दोस्तों केवल मॉर्निंग के लिए ही नहीं है, जब भी आप अपनी गाड़ी को 2-3 घंटे के लिए खड़ा करते हैं और इंजन का आरपीएम हाई होता है तब आपको वेट करने के बाद ही अपनी गाड़ी का एसी या हीटर ऑन करना है और गाड़ी को चलाना स्टार्ट करना है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।